बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। हाई पावर परचेज कमेटी की हुई है बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में। यह बड़ी खबर, बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई सरकारी आइटम्स की खरीद को मंजूरी दी गई है। विभिन्न विभागों की खरीद को मिली है मंजूरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के बाद जानकारी दी है। मीटिंग में क्या कुछ फैसले हुए हैं उस बारे में, 21 एजेंडों पर फैसला लिया गया। 156 करोड़ की सरकारी खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है आज हाई पावर परचेज कमेटी के माध्यम से। और उसमें कुल एजेंडाज तो कुछ ज़्यादा थे, लेकिन आज कुछ टेक्निकल लोगों की अनुपस्थिति कारण से कवर कम हुए हैं। आज 21 एजेंडाज इसके ऊपर जो निर्णय हुए और उसमें कुल अमाउंट 156 करोड़ रुपए की अमाउंट थी, लेकिन नेगोशिएशन से 10 करोड़ रुपए की उसमें बचत भी हुई है। इसलिए आज छोटे एजेंडे ज़्यादा थे और उसमें मेनली इरीगेशन के थे, कुछ पावर के थे, कुछ उसके अंदर एक हमारा जो लैंड मैपिंग का लार्ज स्केल मैपिंग का ये सिस्टम चल रहा है हार्सेक के माध्यम से, उसमें लैंड रोवर्स को उसकी जो पैमाना होता है नापने का करने का वो सब था। और कुछ गाड़ियां थी, 70 गाड़ियां भी खरीदी गई हैं पुलिस के द्वारा, पुलिस ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कुछ टायर भी खरीदे हैं। तो जैसे जैसे जिनकी आवश्यकता थी उस आवश्यकता के हिसाब से उन्होंने अपना ये सामान आज लिया है और मीटिंग जो है समाप्त हुई। दिल्ली तो देश की राजधानी है, हरियाणा तीन तरफ से दिल्ली को घेरता है। मैं जब दक्षिण हरियाणा का मेरा जो टूर होता है वहाँ मेरा रात्रि निवास भी हरियाणा भवन में होता है, इसलिए कल मैं था, आने वाले एक आध दिन में फिर मैं दिल्ली होऊंगा, फिर फरीदाबाद होऊंगा, गुड़गांव होऊंगा। मीटिंग में संगठन की और कुल मिला के लोकसभा के चुनाव की ये तैयारियाँ मुख्य रूप से सारा विषय थी। मेरा तो कहना है कि इन सब विषयों के ऊपर जितना ज़्यादा वो आगे आएंगे, जिसका जनता को लाभ होता है ऐसे इश्यूज़ को जितना वो छेड़ेंगे उतना जनता उनको उत्तर देगी। वो तो खत्म करेंगे, मानो कभी PPP खत्म करते हैं, कभी पोर्टल खत्म करते हैं, कभी मेरिट का सिस्टम को खत्म करते हैं, जनता उनको खत्म करेगी, इतना ही मैं कहता हूं। तो बैठक के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी बात करते नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं और बातचीत के लिए। पवन, काफी महत्वपूर्ण बैठक आज हाई पावर परचेज कमेटी की हुई है, कब बताया जा रहा है करीबन 150 करोड़ की जो सरकारी खरीद है उसको मंजूरी प्रदान की गई, किस तरह से आज की महत्वपूर्ण बैठक थी, कौन कौन से विभागों के आइटम्स को खरीदा गया है? जी बिल्कुल, आज हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में। करीब 3 घंटे तक हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक चली है। इस बैठक में 156 करोड़ रुपए की विभिन्न विभागों की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है और कहा है कि आज की हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में कई एजेंडे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल लोगों की गैर मौजूदगी के चलते आज जो वो कुछ ही एजेंडों पर फैसला लिया गया है, और आज जो जिन एजेंडों पर फैसला लिया गया है उसमें 21 एजेंडे हैं और 156 करोड़ की खरीद को सरकार ने आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के जरिए मंजूरी दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब बताया कि आज की हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के जरिए जो खरीद को मंजूरी दी है उसमें परिवहन विभाग के लिए टायरों की खरीद को मंजूरी दी गई है, पुलिस विभाग के लिए गाड़ियों की खरीद को मंजूरी दी गई है, इसके साथ ही सिंचाई और बिजली विभाग से संबंधित भी खरीद को मंजूरी आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में दी गई है। जी पवन, एक आखिरी सवाल, और मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दिल्ली दौरे पर भी बात रखी, तो साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पर भी उनकी ओर से कटाक्ष किया गया, क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से दिल्ली दौरे को लेकर जब सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री का यही कहना था कि दिल्ली जो है वो हरियाणा से जो है वो तीन तरफ से सटा हुआ है, देश की राजधानी है, यहाँ पर रूटीन में जो है वो दिल्ली में मेरा आना जाना रहता है, और जो बैठक है वो सांसदों के साथ और तमाम जो संगठन के बड़े नेता हैं उनके साथ मंत्रणा हुई है, चर्चा हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक तरीके से व्यंगात्मक तरीके से कहा कि दिल्ली में अक्सर आना जाना रहता है और आने वाले एक दो दिन में फिर दिल्ली मुख्यमंत्री जाएंगे, ये भी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो किस तरह से आज की महत्वपूर्ण ये बैठक थी पूरी, क्या कुछ खरीद को
मंजूरी दी गई और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कई अन्य मुद्दों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी।